आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार की गोपालगंज जिला में राष्ट्रीय पक्षी मोर का कब्रगाह बनता जा रहा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का मरने का सिलसिला जारी है। पूरी खबर क्या है ये बताते हैं आपको विस्तार से इस रिपोर्ट। गोपालगंज में राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले एक सप्ताह से मोरों के मरने का सिलसिला जारी है। वन विभाग अब तक 6 मोर के शव का पोस्टमार्टम कर चुका है, लेकिन मोर के संरक्षण को लेकर अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। जिले के भोरे प्रखंड के जगतौली, हुस्सेपुर और खिदवापुर गांव के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में मोर के होने की जानकारी दी है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस पूरे मामले में जिला वन पदाधिकारी से जांच का रिपोर्ट मांगी है। डीएम ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मोरों की मौत किस वजह से हुई है। इस इलाके में पिछले 6 जनवरी को 5 मोर का शव पाया गया था, जिसे शिकारियों ने शिकार करने के बाद पंख को तस्करी करने के लिए नोच लिया था। मोर के शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। वन विभाग ने सभी मोर के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया और राष्ट्रीय सम्मान के साथ सभी मोर के शव को दफना दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से मोर के संरक्षण की मांग उठाई है, लेकिन अब तक कोई कदम वन विभाग की ओर से नहीं उठाया गया है। एक बार फिर रविवार को भोरे प्रखंड के हुसेपुर पंचायत के खिदवापुर पास गांव के पास हुसेपुर राज्य के अवशेषों में उगे झाड़ियों के बीच ग्रामीणों ने एक मोर के शव को बरामद किया है। इस बार मोर के पंख सही सलामत थे। ग्रामीणों ने ठंड से मौत होने की बात कही है। दूसरी तरफ सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को तिरंगे में लपेट कर ले गया। अब देखना यह होगा कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर अगर इसी तरह मरते रहे तो ऐसे में गोपालगंज जो जिला है या फिर वन विभाग पर सवाल उठना तय है। तो अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ निकल कर आता है, ये बताते हैं आपको अगली अपडेट में। फिलहाल की इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।